Hello student, today I am going to explain you the new chapter periodic classification of elements. In 1800 only 30 elements were known. 1800 तक केवल 30 elements के बारे में खोज हो चुकी थी. 1865 में 65 elements के बारे में खोज हो चुकी थी और at present में 118 elements are known. अब तक खोजे जा चुके हैं 118 एलिमेंट्स. अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. लोएजियर वाज डिवाइडेड एलिमेंट इनटू टू ग्रुप्स. जब एलिमेंट्स मिले थे तो इसको डिवाइड करने का जो पहला अटेम्प्ट किया था वो लोएजियर ने किया था. उनने एलिमेंट्स को दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया था. एक उन्होंने बोला था मेटल होते हैं और दूसरे नॉन मेटल होते हैं. और उन्होंने दो ग्रुप में इसलिए क्लासिफाइड किया था तो उसका बेस जो था उनका एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज. जो एलिमेंट्स थे उनकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनने एलिमेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया था. एक मेटल थे दूसरे नॉन मेटल थे. लेटर इन 1808 जॉन डाल्टन प्रपोज द एटोमिक थ्योरी. सन 1808 में जॉन डाल्टन ने एटोमिक थ्योरी को प्रपोज किया था. According to atomic theory, atoms of one element can be distinguished from the other on the basis of their atomic masses. Atomic mass का मतलब होता है उनका atomic weight. जो elements होते हैं उनके जो atoms होते हैं उनको differentiate किया था उनकी atomic masses के according. Therefore, all the earlier attempts at the classification of element were based upon their atomic masses. तो starting में जो elements का जो classification किया गया था वो किस base पे किया गया था? Atomic mass या atomic weight के according किया गया था. वो उनका base था. Dobernier triads इसको दिया था 1817. These group of three element having the similar property were called Dobernier triads. तीन elements का ऐसा group जिनकी property similar होती है, एक जैसी होती है, उसको Dobernier triads कहा जाता है. He further observed that when the three element of any particular triad were arranged in order of their increasing atomic masses. बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट्स थ्री एलिमेंट्स होते हैं जो कि ट्रायड में अरेंज होते हैं उनके जो एटॉमिक मासेस होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं. द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज रफली द मीन ऑफ एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स. जैसे ट्रायड के अंदर थ्री एलिमेंट्स है, एक ऊपर वाला, एक मिडिल वाला और एक नीचे वाला. तो जो ऊपर वाला और नीचे वाला जो है इन दोनों के जो एटॉमिक मास का जो मीन एवरेज निकलेगा वो होगा बीच वाले का एटॉमिक मास होगा. द थ्री एलिमेंट्स लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी. तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम तीनों की जो प्रॉपर्टीज होती है सिमिलर होती है तो इसको डोबेर्नियर ने ट्राइड कहा. जबकि अगर लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6.9 यू होगा और पोटेशियम का जो होगा 39.0 यू होगा. तो 6.9 को प्लस कर देंगे 39.0 से और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो जो आंसर आएगा तो वो आंसर आता है 22.95. तो वो जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? सोडियम का एटॉमिक मासेस हो जाएगा जो एप्रोक्स होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है. एलिमेंट लिथियम सोडियम पोटेशियम आर कलेक्टिवली कॉल्ड एल्कली मेटल्स. लिथियम सोडियम और पोटेशियम को एल्कली मेटल्स कहते हैं एक साथ. Because they all react with water,
ये सभी वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कली या बेसिक सॉल्यूशन या कॉस्टिक सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। द थ्री एलिमेंट्स कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, इन तीनों की भी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, तो डोबरनिया ने इनको भी ट्राइड्स कहा। अब इसमें जो पहला सीजियम होता है, कैल्शियम होता है, और तीसरा जो बेरियम होता है, इन दोनों के एटॉमिक मॉसेस को अगर प्लस करके उससे दो से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो एटॉमिक मॉसेस होगा स्ट्रॉन्शियम का। एलिमेंट कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम आर कलेक्टिवली कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल बिकॉज देयर ऑक्साइड आर अल्कलाइन इन नेचर। क्योंकि जो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर अल्कलाइन या बेसिक होता है, और ये जो ऑक्साइड्स होते हैं अर्थ में पाए जाते हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डोबरनिया ट्राइड्स। एलिमेंट सल्फर, सेलेनियम एंड टेलूरियम, ये तीनों जो होते हैं ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करते हैं। लिमिटेशन, डोबरनिया कुड आइडेंटिफाई ओनली फोर ट्राइड फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। जब डोबरनिया ने ट्राइड की बारे में बताया था तो उस समय जितने एलिमेंट्स पता थे उसमें केवल चार ट्राइड्स वो बता पाए थे। इन अदर वर्ड ऑल एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम कुड नॉट बी अरेंज इन डोबरनिया ट्राइड्स। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स थे उनको डोबरनिया ट्राइड्स में अरेंज नहीं किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल द थ्री एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर तीन एलिमेंट लिए, एक नाइट्रोजन, एक फॉस्फोरस और एक आर्सेनिक, तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज है, और इन्होंने इनको अरेंज कर दिया ट्राइड के फॉर्म। लेकिन जब इनका एटॉमिक मास निकाला मिडिल वाले का तो वो एप्रोक्स नहीं आया। जैसे नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 14 होता है, आर्सेनिक का जो होता है 74.9 होता है, इन दोनों को अगर प्लस करके दो से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 44.45 होगा। लेकिन जो फास्फोरस का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 31.0 होता है। मतलब इन एलिमेंट्स के ऊपर डोबरनिया ट्राइड फिट नहीं बैठता है, तो ये इसका लिमिटेशन था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स ने बताया था कि जो पहला एलिमेंट्स होता है और एट्थ एलिमेंट्स होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर। उस समय नोबल गैस के बारे में कुछ नहीं पता था, उन्होंने कंपेयर किया था इन ऑक्टेव्स को म्यूजिकल स्केल से, जैसे सरगम में सात सुर होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, उसके बाद फिर वापस स्टार्ट होता है आठवां सा से, तो पहला भी सा होता है और आठवां भी सा होता है, तो दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती। उसी तरह से पहला जो एलिमेंट है और एट जो एलिमेंट है दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, तो न्यूलैंड ने इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, व्हेन द एलिमेंट वर अरेंज इन हॉरिजॉन्टल रोज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मासेस, तो उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज कर दिया, और पहला वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कम है, दूसरे का ज्यादा है, तीसरे का ज्यादा है, चौथे का उससे और ज्यादा है। तो जब इस तरह से उनने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो जो पहले नंबर पे एलिमेंट था और जो एट्थ नंबर पे एलिमेंट था उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती वो सिमिलर होती है। उसी तरह से अगर सरगम के साथ सुरों में देखा जाता है तो पहला वाला जो सुर होता है सा और आठवां वाला जो सुर होता है वो भी सा होता है, तो दोनों कैसे एक जैसे होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। You can see in this diagram comparison between the musical scale with elements. तो जैसे सरगम में सात सुर होते हैं, सा रे ग म प ध नि, ये सात हो गए और आठवां वाला कौन सा हो जाएगा, सा।
तो पहला वाला और आठवां वाला सेम है। उसी तरह से अगर एलिमेंट में देखा जाए तो ये पहला एलिमेंट है जो कि कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। तो ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां वाला, ये भी कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। मतलब फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ जो एलिमेंट होती है उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, मतलब दोनों गैसियस स्टेट में। लिमिटेशंस, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली टू लाइटर एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक मासेस अप टू 40। तो न्यूलैंड्स का जो लॉ था, ऑक्टेव लॉज था, वो केवल एप्लीकेबल होता है उन एलिमेंट्स के लिए जो कि लाइटर होते हैं, जिनका एटॉमिक मास केवल कितना होता है, 40 होता है। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास 40 के ऊपर होगा तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है और फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर नहीं होती है। इफ वी स्टार्ट द क्रोमियम, अपने स्टार्ट करेंगे क्रोमियम से जो कि फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद अगर काउंट करेंगे तो जो एट्थ एलिमेंट होगा वो होगा इट्रियम। तो जो क्रोमियम होता है और इट्रियम होता है, दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, तो वहां ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकेंड लिमिटेशन, इट वाज अज्यूम बाय द न्यूलैंड्स दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर। जब न्यूलैंड्स ने रूल दिया था उस समय केवल नेचर के अंदर 56 एलिमेंट्स थे, और उसने ऐसा नहीं सोचा था कि फ्यूचर में भी कुछ और न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स, लेकिन बाद में कुछ और एलिमेंट्स को डिस्कवर्ड किया गया था। वर डिस्कवर हूज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इन टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बाद में जो एलिमेंट्स मिले थे उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो एप्लीकेबल नहीं होती थी ऑक्टेव लॉस के अकॉर्डिंग, तो यहां पर भी ये रूल फेल हो गया। थर्ड लिमिटेशन, न्यूलैंड्स नॉट ओनली प्लेस टू एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। उनने एक स्लॉट के अंदर दो एलिमेंट को प्लेस कर दिया, बट आल्सो प्लेस सम अनलाइक एलिमेंट इन द सेम कॉलम। बल्कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स को ऐसे सेम कॉलम में रख दिया जो कि सिमिलर नहीं होते। एग्जाम्पल, कोबाल्ट एंड निकिल आर प्लेस इन द सेम स्लॉट। एक स्लॉट में कोबाल्ट तथा निकिल को रख दिया। दीज आर प्लेस इन द सेम कॉलम एज देट ऑफ फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, और उसी कॉलम में इनको रखा गया जिसमें क्लोरिन, फ्लोरिन तथा ब्रोमिन को रखा गया। तो जो क्लोरिन, फ्लोरिन तथा ब्रोमिन होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज और निकल जो कोबाल्ट होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है डिसिमिलर होती है। ऑन द अदर हैंड द आयरन विच रिसेम्बल कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज, जबकि जो आयरन होता है उसकी प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल के समान थी, जबकि आयरन को कोबाल्ट और निकल से दूर रख दिया गया। तो उन्होंने ये मिस्टेक की थी कि जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती थी उनको पास में न रखते हुए दूर दूर कर दिया था, इसलिए ये लॉ भी उनके लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ। फोर्थ लिमिटेशन, जब न्यूलैंड्स ने ये लॉ दिया था उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। नोबल गैस की डिस्कवरी हुई थी अराउंड 1900 ईयर्स में, और उस समय ऐसा था कि जो पहला एलिमेंट था और एट्थ एलिमेंट था उन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हुई, लेकिन जो फर्स्ट और नाइन्थ एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर रही, जिसके कारण ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाया सभी एलिमेंट्स के ऊपर। मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटोमिक मासेस, जब एलिमेंट्स को उनके एटोमिक मासेस को अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग नंबर में। एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है
एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है। तो दिस रिपीटेशन आर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट्स की यह प्रॉपर्टी जो एक समय के बाद रिपीट होती है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है, इसको पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहते हैं। मेंडलियव्स पीरियोडिक टेबल, व्हेन मेंडलियव्स गेव द पीरियोडिक टेबल 63 एलिमेंट वर नोन। जब मेंडलियव्स ने पीरियोडिक टेबल दी थी उस समय केवल 63 एलिमेंट के बारे में पता था। He arranged this element in increasing order of their atomic masses in horizontal row. उन्होंने जो 63 एलिमेंट्स थे उनको horizontal row में अरेंज कर दिया था उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग के आधार पर। मतलब पहला जो एलिमेंट्स होगा उनका एटॉमिक मासेस का मास कम होगा, दूसरा जो एलिमेंट है उसका पहले से ज्यादा होगा, तीसरा जो होगा उसका दोनों से और ज्यादा होगा। इस तरह से एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज कर दिया था। तो वही जो हॉरिजॉन्टल रो थे अब उसको पीरियड्स कहा जाता है, और जो वर्टिकल कॉलम थे उसको ग्रुप्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेंडलियव्स पीरियडिक टेबल। 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे जिसको पीरियड्स कहा गया था और डिनोटेड किया था 1 to 7 से, और 8 वर्टिकल कॉलम थे, 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिसको ग्रुप्स कहा गया और इनको डिनोटेड किया गया रोमन से। ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। जो ग्रुप था हर एक ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था जिसको डिनोट किया गया ए और बी से। अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलियव पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट वन, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट। मेंडलियव वाज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड। मेंडलियव ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने जितने भी एलिमेंट्स थे 63 एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड्स में अरेंज कर दिया था। दिस मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स क्वाइट सिंपलर बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट इन पर्टिकुलर ग्रुप आर नोन। तो इस तरह से उन्होंने जिस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया था जिससे एलिमेंट्स की स्टडी करना बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी, और उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में स्टडी करना और आसान हो गया था। तो फर्दर वाइल डेवलपिंग पीरियोडिक टेबल मेंडलियव कीप टू थिंग्स इन माइंड। जब मेंडलियव पीरियोडिक टेबल को क्या कर रहे थे, बना रहे थे, तो उस समय माइंड में उनके 2 चीजें थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास जो है किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं उनको किस तरह से अरेंज करना है। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर। जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको साथ में रखकर ग्रुप बनाना।